नमस्कार, वीएमआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिश पंचोली आपके साथ। शुरुआत करते हैं आज की उस खास खबरों के साथ। वहीं दौसा में उपखंड अधिकारी पुष्कर सिंह मित्तल ने आज दौसा में कार्यभार ग्रहण किया। जिनका दौसा फल सब्जी विक्रेता संघ दौसा के पदाधिकारियों ने पूर्व उपखंड अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा व नव उपखंड अधिकारी दौसा का साफा व माला पहना कर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया कर बहुत बधाई दी है, जिसमें राजू सैनी अध्यक्ष, राजेंद्र कुमार रैसवाल उपाध्यक्ष, विष्णु शर्मा, सोहन लाल सैनी, कैलाश साहू, सुल्तान बैरवा, सिख राय आदि लोग उपस्थित थे। वहीं 1 नवंबर से जयपुर में प्रारंभ होने वाले श्री मद भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव दिव्य अनुष्ठान की सफलता के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। 1 नवंबर 2019 से जयपुर में प्रारंभ होने वाले श्रीमद भागवत कथा एवं 31 कुंडलीय मारुतीय महायज्ञ श्री यंत्र स्थापना पूजनीय दिवस अनुष्ठान का पोजर विमोचन किया, जिसमें विधानसभा मुख्य सचेतक श्री महेश जी जोशी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु जी शर्मा, परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास आदि मंत्रीगण ने आचार्य श्री ओम नारायण त्रिपाठी व प्रमुख समाज सेवी राकेश जोशी जी को उपरोक्त आयोजन की सफलता के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। आचार्य ओम नारायण जी त्रिपाठी के साथ राधा रमन चैरिटेबल ट्रस्ट, वैदिक एवं ज्योतिष शोध संस्थान की तरफ से श्री राकेश जोशी, श्रीमती इंदिरा शर्मा, कोऑर्डिनेटर राकेश जी मीणा, आचार्य शिव लहरी शास्त्री, आचार्य रजनीश पांडे, ज्योतिष आचार्य मनीष शर्मा, ज्योतिषाचार्य पसनून शर्मा, यू समाज सेवा श्री दीपक जी बियानी, श्री अतुल जी शर्मा, नंद किशोर जी शर्मा, समाज सेवी श्री विष्णु शर्मा तथा कुमारी मोनिका शर्मा आदि ने सम्मिलित होकर विभिन्न मंत्रियों का शुभ आशीष व आशीर्वाद लिया। हम बात करते हैं बस्सी के बांसको कस्बे में शहीद अशोक स्मारक के पास गंदगी के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जिसका असर गंदगी के आसपास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बांसको में मस्जिद शाहिद अशोक स्मारक SBI बैंकर व्यवसाय मोहल्ले के पास गंदगी फैल रही है, जिसमें कई तरह की बीमारियों की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने सरपंच मंगलाराम मीणा को अवगत कराया। सरपंच ने कहा कि जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। इस दौरान राजेंद्र गुप्ता, योगेश डगायच, मुकेश जमीन, इकबाल सातार, बाबू खां, रामजी लाल, डॉक्टर छोटे लाल सैन, अन्य लोगों ने कहा कि इस दौरान बैंक के अधिकारी मनु वर्मा ने भी SBI बैंक के बाहर गंदगी के बारे में बताया। सरपंच मंगलाराम मीणा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को कहकर तुरंत सफाई करवा दी जाएगी, जबकि मोहल्ले वासियों का कहना है कि गंदगी से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। वहीं विषाक्त पदार्थ के सेवन से एक महिला की मौत का मामला आया सामने। दरअसल तखतगढ़ थाना क्षेत्र के राजपुरा गाँव में एक विवाहित महिला ने विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। विषाक्त पदार्थ खाने के बाद परिवार के लोगों ने तखतगढ़ के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर गंभीरावस्था होने के कारण उनको रेफर किया गया। परिजनों ने इलाज के लिए आगे महावीर अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला के इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। मृतका राधा की शादी 9 साल पहले राजपुरा निवासी विक्रम हीरा घर के साथ शादी हुई थी। महिला की 3 संतान है। महिला का पियर जालौर जिले के उन गांव में है। महिला के पियर पक्ष के लोग आने पर ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही तखतगढ़ थाना उप निरीक्षक दुर्गाराम पहुंचे। मौके पर शव को तखतगढ़ सरकारी अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है। पीहर पक्ष के लोग आने पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं राजस्थान महिला अधिकारी एवं कर्मचारी एकीकृत महासंघ चिकित्सा मंत्री से मिले, जहां महासचिव विजय तचार ने बताया कि चिकित्सा विभाग में नर्सिंग उपक्रमों को लेकर भेदभाव हो रहा है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्रमोशन में पुरुष महिला 6:4 है, जो संविधान सम्मत नहीं है। महिला नर्सिंग कर्मियों के उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर छीने जा रहे हैं, अतः उनमें भारी रोष है। इस हेतु सभी तथ्यों से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को अवगत कराया गया है एवं इस भेदभाव को समाप्त कर पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने की मांग की गई है।
इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर नसरीन भारती, महासचिव विजेता चारण, प्रदेश संगठन सचिव नीलम नवरिया, कोषा अध्यक्ष अंजू हर्ष, मधुलता जी, मुमताज भानो, रेखा चावला, प्रियंका मीणा, सरोज ममता सांखला, संतोष बुनकर, मीना नायर, रंजना भूषण, सुनेना सूझा, फिलिप, महिला अस्पताल जयपुरिया कांवटिया एवं जनाना अस्पताल से बड़ी संख्या में महिला नर्सिंग कर्मी उपस्थित रही।